कहते ना विपुल गोयल के बारे में तो मशहूर है, विपुल गोयल तो होम्योपैथिक की दवाई है, फायदा करे ना करे लेकिन नुकसान नहीं होगा ये गारंटी है। उन लोगों ने स्मार्ट सिटी की ओथ लेकर कच्ची कॉलोनी काटने का काम किया और जनता उन्हें बता देगी। अब वो तीसरी बार हार की हैट्रिक लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीतती है, जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। और इस फरीदाबाद के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कौन व्यक्ति क्या है, किसने क्या किया, जनता से कुछ छुपा नहीं है। देखिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े लोगों के साथ ये लोग उपहास उड़ाने का या उनके इमोशन से खेलने का काम कर रहे हैं। 50 वोटों पर एक नौकरी दे देंगे, अरे कोई नियम कायदे कानून होंगे, सरकार है, सरकार ने एक नियमावली बना रखी है। अब कोई भी नेता या कोई पर्ची खर्ची के नौकरी नहीं लग सकती। इस पर्ची खर्ची को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और इन्हें सोचना चाहिए इन्हीं नौकरी देने के चक्कर में अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, एक जो मुख्यमंत्री हैं 10 साल की जेल काट के आ चुके हैं। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम व्यूएफ पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ स्टूडियो पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार विपुल जी, चुनाव चल रहा है और भाजपा के प्रत्याशी हैं आप फरीदाबाद में, फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। बहुत सारे मसले चुनाव में लगातार चलते हैं, चुनाव में लगातार हल्ला होता है और एक बड़ा हल्ला आमतौर पर ये लगता है, एक बात होती है कि विपुल गोयल जो है अमीरों के नेता हैं, 14-15-16 सेक्टरों के नेता हैं। विपुल गोयल किसका नेता है किसका नेता नहीं है ये हमारे जो अपोजिशन वाले वो तय नहीं करेंगे, ये तय यहाँ की जनता करेगी। चाहे स्लम क्षेत्र इंदिरा नगर हो, चाहे एसी नगर हो, चाहे प्रेम नगर पटेल नगर हो, चाहे अन्य बस्तियाँ हों, उनको डेवलप करने का काम, उनके अंदर मूलभूत सुविधाएं देने का काम। और तो और विपुल गोयल ने अपने पारिवारिक त्योहारों को छोड़कर उनके साथ त्यौहार मनाने का काम किया, चाहे रक्षाबंधन की बात हो, भैया दूज की बात हो, दिवाली की बात हो, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने की बात हो। और वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं किसके कहने से क्या होता है। आप जाइए जरा किसी भी बात करके देखिए कि विपुल गोयल किसका नेता है और विपुल गोयल का वहाँ पर क्या हुआ है। वो मेरा परिवार है इसलिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसका नेता हूँ किसका नेता नहीं हूँ। जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों की सेवा करना ही विपुल का धर्म है। विपुल जी, आम तौर पर जब हम लोग बात करते हैं तो एक बार ये चर्चा होती है कि 2014 में फरीदाबाद को लेकर विपुल गोयल का कोई विजन था, फरीदाबाद में डेवलपमेंट को लेकर विपुल गोयल का विजन था, तो क्या कहाँ पहुंचा वो विजन, कहाँ देखिए 24 में खड़े हैं आज 2024 से 2014 से लेकर 2019 तक जो जो काम हमने किए, जो जो विजन लेकर हम चले, तो उन विजन पर सब पर हमने काम किया। और पार्टी ने मेरा ट्रांसफर संगठन में कर दिया तो इसलिए उसमें कुछ रुकावट रही, लेकिन उन सब चीज़ों को जो हमने शुरू की थी अच्छी तरीके से और उनके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को फरीदाबाद के लिए हम लोग तैयार करेंगे, पूरा करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम की बात हो, हमने इंडोर स्टेडियम 12 सेक्टर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 100 करोड़ रुपये की लागत से डेवलप करने का काम किया। टाउन पार्क एक फरीदाबाद का बेहतरीन पार्क बनाया, सामुदायिक भवन 15 सेक्टर 15A के अंदर जिस तरीके के सामुदायिक भवन बनाए, ऐसे सामुदायिक भवन हमने हर सेक्टर के अंदर बनाने का जो हमारा सपना और विज़न लिया था वो विज़न अभी भी है। और ओल्ड फरीदाबाद के अंदर एक बहुत ही अच्छा फुल फैसिलिटीज से ओत प्रोत जो हॉस्पिटल है उसकी हमने फाउंडेशन रखी, और चाहे मॉडर्न स्कूल की बात हमने रखी, और जितने भी स्कूल हैं उनको अपग्रेड करके किसी भी प्राइवेट स्कूल से टक्कर देने का जो काम है वो विपुल गोयल का विजन है। और गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें ये विपुल गोयल का सपना है और इसे हम पूरा करके रहेंगे रहेंगे रहेंगे। हालांकि इस शहर ने देखा जब विपुल गोयल यहाँ मंत्री बने तो हर पार्क में वो ओपन जिम बन गए थे, तो खैर शहर ने भी महसूस किया। लेकिन पिछले 5 साल विपुल जी थोड़ा सा इस शहर में देखिए विपुल गोयल की मैंने कहा ना ट्रांसफर संगठन में हो गई थी तो इसलिए ऐसा नहीं है, बहुत काम हुए हैं। जितने डिवाइडिंग रोड्स देखिए और सेक्टर के इंटरनल रोड देखिए, जो पानी भरने की जो समस्या है उसमें भी बहुत कमी आई है। लेकिन कह रहा ना काम करने का तरीका व्यक्ति व्यक्ति का अलग होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ठीक है। लेकिन मैं अब समझता हूँ जो लोग कल और परसों सोचते हैं विपुल गोयल आज सोचता है, आज सोचता है।
जो विपुल गोयल नारे लगते हैं विपुल गोयल के, वो चुरा लिए जाते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो चुरा लिया जाता है, वो गुब्बारे लगाते हैं तो दूसरे भी गुब्बारे लगाने लगते हैं, वो तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेजते हैं तो दूसरे भी तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेजने लगते हैं। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा काम मैं तो इसीलिए करता हूँ, ये नहीं करता कि मेरा कॉपीराइट हो जाए। मैं समझता हूँ कि समाज को उस उन चीज़ों से भलाई मिले और लोग भी प्रेरित होकर काम करें करें, लेकिन सिर्फ उसे नकल या दिखावे के लिए या उसका मोटो पॉलिटिकल ना हो, किसे पॉलिटिकल यूज़ करने के लिए। विपुल गोयल 5 साल सत्ता में नहीं रहा या सरकार में नहीं था, तो भी 5 साल जो तीर्थ यात्राएं रेगुलर चलती रहीं, और कोरोना के काल में जब विपुल गोयल की जरूरत थी तो उन्होंने पार्टी संगठन के काम के साथ साथ इसमें तरजीह दी लोगों की सेवा करने के लिए, चाहे सामाजिक मुद्दे बड़े बड़े, चाहे किसी एजिटेशन की बात हो, कोई आंदोलन हो, तो विपुल गोयल उसमें हमेशा उपस्थित रहा। अदरवाइज हमारी पार्टी की रीति नीति है, एक व्यक्ति को जो दायित्व दिया जाता है उसी पर ही काम करता है। आज यहाँ का दायित्व नरेंद्र गुप्ता जी के पास था तो नरेंद्र गुप्ता जी की जिम्मेवारी थी, अब विपुल गोयल को दायित्व दिया है तो आने वाले 5 साल में आप देखेंगे फरीदाबाद के अंदर अभूतपूर्व जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, चाहे वो स्लम हो चाहे सेक्टर्स हो। विपुल गोयल ने पहले भी सामंजस्य बिठाया था और आज भी सामंजस्य बिठाया। उन लोगों को यही तो नहीं बच रहा कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट और शहर के बड़े लोग हैं वो और स्लम वाले कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया विपुल गोयल ने किया। तो ये जरा उनको पच नहीं रही बात, लेकिन कोई बात नहीं, जनता अच्छे तरीके से जानती है, जनता के दिमाग में पच रही है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका अपना चरित्र और आचरण देखिए, क्या उसकी बातों का क्या कहते जवाब हैं, देंगे। देखिए विपुल गोयल लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होता है, मतलब ये कहते हैं लोग। अरे ये वो लोग नहीं कहते, ये वो मेरे प्रतिद्वंदी आरोप लगाते हैं कि सुख दुख में शामिल नहीं होता। विपुल गोयल का परिवार फरीदाबाद की पूरी जनता है, और जो उनकी भलाई के लिए उनकी प्रायोरिटी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना विपुल गोयल अच्छे तरीके से जानता है। उनको मूलभूत सुविधाएं देना जो है वो कितना ज़रूरी है विपुल गोयल इसकी भी बात रखता है। पिछले 2014 से पहले भी 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, और 14 में जब मैं लोगों के बीच में गया, मैं भारत कॉलोनी की बात करूं, किसी भी सेवा बस्ती की बात करूं, उसके अंदर जब मैं गया कितना नरकीय जीवन और बुरा हाल था, इन लोगों को देखकर शर्म नहीं आई। और आज ये लंबी लंबी बातें करते हैं, किस तरीके की बातें, विपुल दुख सुख में नहीं गया। अरे दुख सुख क्या होते हैं, ये दिवाली लोगों के साथ मनाना, रक्षाबंधन मनाना, भैया दूज मनाना, उनके ज़रूरत पर खड़े होना, यही तो दुख सुख होते हैं समाज के अंदर, या सिर्फ समाज के अंदर जिन लोगों के पास कोई उसे किसी की ज़रूरत पड़े आप ज़रूरत पर काम हो, यही दुख सुख होते हैं। विपुल की डेफिनेशन तो यही है दुख सुख की, और विपुल हमेशा उसमें साथ रहता है। बार बार ये चर्चा होती है विपुल जी, बार बार ये बात होती है कि पिछले 5 साल जो बीते उनमें बहुत खराब हालत फरीदाबाद के रहे हैं, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया गया, जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, जो ये आरोप हैं ये सिर्फ विपक्ष के आरोप हैं। फरीदाबाद के अंदर एक समुचित विकास करने का काम किया गया है, और फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी एक शहर को एक पिछड़े शहर से एक डेवलपिंग सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसके लिए उसको चारों तरफ से उसकी कनेक्टिविटी, आप देखिए दिल्ली से कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे एक तरफ, ईस्टर्न पेरेफेरी एक तरफ, KMP एक तरफ, वडोदरा हाईवे एक तरफ, FMG एक तरफ, नए एयरपोर्ट से उसे जोड़ना, नए एयरपोर्ट पे 40 मिनट में पहुंचना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल है। और इंडस्ट्रियल सिटी 3,000 एकड़ का IMT तैयार करना और हज़ारों इंडस्ट्रीज को चालू करना, ये एक प्रोग्रेसिव सिटी की जो है ज़रूरतें हैं, पैरामीटर्स हैं। और अब इस हमारे संकल्प पत्र में फरीदाबाद से गुड़गांव एयरपोर्ट तक मेट्रो से जोड़ना, पलवल तक मेट्रो को लेकर जाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। और 2800 करोड़ रुपए माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने अभी बिजली मंत्री रहते हुए सेंक्शन करे फरीदाबाद के लिए, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें हैं इन सबको अंडरग्राउंड करके स्मार्ट जो है ट्रांसफार्मर्स लगाने का जो काम है वो फरीदाबाद में होने जा रहा है, हज़ार हज़ार किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगेंगे, बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जब डेवलपमेंट चलती है तो इसी तरीके से चलती है, फरीदाबाद अगले 5 सालों में एक डेवलप सिटी कहलाएगा, एक कहते हैं ना समाज के इस हरियाणा के अग्रणी शहरों में एक होगा। विपुल जी, बार बार ये बात होती है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है,
मैंने कहा फिर विपुल गोयल जी बन भी जाएंगे, यहाँ से विधायक बन भी जाएंगे, तो फिर कैसे वो इस शहर का अभी विकास? 4 महीने पहले अनेकों दल भानुमति का कुनवा जुड़कर सारे झूठ बोलकर, दलितों के लिए झूठ बोला, महिलाओं के लिए झूठ बोला, किसानों के लिए झूठ बोला, जवानों के लिए झूठ बोला, सारी बातें करके सब एक तरफ, सारा दल एक तरफ हो गया था, सब लोगों ने मिलकर झूठ बोला, तभी भी 40 सीटें पार नहीं कर सके थे हरियाणा के अंदर। और मैं आज मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, आज तो जो इन्होंने दलित कार्ड खेला कि उनका संविधान बदल दिया जाएगा, उनका आरक्षण खत्म कर देंगे, वो पर्दाफाश हो चुका। महिलाओं को 8500 रुपये देने का पर्दाफाश हो चुका। जब किसानों के लिए MSP की बात की, वो पर्दाफाश हो चुका। इनके सारे झूठ खुल चुके हैं। और देखिए ना, दलित की बात करते थे, आज दलित महिला शैलजा जी किस तरीके का उनके साथ आचरण है। एक दलित की बेटी को, मतलब ये लोग सिर्फ आगे लाने में कि दलित की बात तो करते हैं, लेकिन दलित से कभी शेयर का, सत्ता का बंटवारा करना पड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है, ये आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि भाजपा की सरकार तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में शपथ लेने जा रही है आने वाले कुछ दिनों में। और ये सब मिथ्या प्रचार जो है ये करके, मैंने कहा ना, झूठ के तो एक्सपर्ट है, बहुत शोर मचा मचा के झूठ बोलते हैं, बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है ना, कुछ होने जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और एक फरीदाबाद को बहुत डेवलप सिटी हम लोग बना कर रहे हैं। विपुल जी, बार बार ये चर्चा होती है कि विपुल गोयल बहुत अमीर आदमी हैं, सुपर रिच हैं, और वो गरीब का दर्द क्या जानते हैं, उनको क्या महसूस होता है गरीब का दर्द? सौरभ जी, विपुल गोयल जब 9.5 साल का था, जब विपुल गोयल के पिता का देहांत हो गया था, और 9.5 साल से 25 साल की एज तक जो विपुल गोयल ने गरीबी देखने कहीं जाना नहीं पड़ता विपुल गोयल को, विपुल गोयल उस संघर्ष और गरीबी में जिया है। स्कूल की फीस भरने के लिए पटाखे बेचना, अखबार बेचना, और ना जाने क्या क्या तरीके के मेहनत के काम करना विपुल गोयल ने किए हैं। और विपुल गोयल उस दुख को भी जानता है कि जब अभावों में कैसा मनस्थिति होती है, कैसा जीवन होता है, और उनको ठीक करना भी जानता है। इसलिए ये जो लोग बातें करते हैं ना कि विपुल गोयल अमीर है, विपुल गोयल ने संपत्ति कहीं, उसे पैतृक संपत्ति नहीं मिली, विपुल गोयल को किसी के कोई किसी के गलत काम से विपुल गोयल ने संपत्ति अर्जित नहीं करी। किताबों में जो है वही विपुल गोयल की संपत्ति है, उसके अलावा विपुल गोयल के पास कुछ नहीं है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि विपुल गोयल रईस हैं, गरीबों का दुख दर्द नहीं जानते, अरे विपुल गोयल ने तो गरीबी जी है, गरीबी में देखी है, और आज तक भी विपुल गोयल उस समय को नहीं भूला। इसलिए जो लोगों के, समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोग हैं, उनको खुशी देने के लिए, चाहे उनके साथ बैठकर खाना खाना हो, चाहे जन्मदिन मनाना हो, चाहे त्यौहार मनाना हो, क्योंकि विपुल गोयल को पता है अभाव में जब दिवाली दुनिया मना रही हो और घर में मिठाई के पैसे ना हो तो कैसा महसूस होता है। तो विपुल गोयल ने सब देखा है, अच्छे तरीके से देखा। विपुल जी, बार बार प्रयास होता है कि विपुल गोयल जब पावर में रहे तो उन्होंने लोगों के रास्ते बंद करवा दिए। इसी नगर में लोगों के निकलने के जो रास्ते थे, दो दो रास्ते बंद हो गए, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। विपुल गोयल कभी भी ऐसा काम नहीं करता किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का। कहते ना, विपुल गोयल के बारे में तो मशहूर है, विपुल गोयल तो होम्योपैथिक की दवाई है, फायदा करे ना करे लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। तो लोगों का ये मानना है। और रही उसकी बात, जो लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं, उन लोगों ने स्मार्ट सिटी की ओथ लेकर कच्ची कॉलोनी काटने का काम किया, और जनता उन्हें बता देगी। अब वो तीसरी बार हार की हैट्रिक लगाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीतती है, जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। और इस फरीदाबाद के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कौन व्यक्ति क्या है, किसने क्या किया, जनता से कुछ छुपा नहीं है। देखिए, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े लोगों के साथ ये लोग उपहास उड़ाने का या उनके इमोशन से खेलने का काम कर रहे हैं। 50 वोटों पर एक नौकरी दे देंगे, अरे कोई नियम कायदे कानून होंगे, सरकार है, सरकार ने एक नियमावली बना रखी है। अब कोई भी नेता या कोई पर्ची खर्ची के नौकरी नहीं लग सकती। इस पर्ची खर्ची को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और इन्हें सोचना चाहिए, इन्हीं नौकरी देने के चक्कर में अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, एक जो मुख्यमंत्री हैं 10 साल की जेल काट के आ चुके हैं, अपनी जबान पर लगाम दे,
और एक जिम्मेवार शब्दावली यूज करें, मेरा यही इनसे निवेदन है। और वो लोग ये बात करते हैं जो नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर कच्ची कलोनी काटने का काम करते हो, और किस तरीके का इनका आचरण है लोग सौरभ जी अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाला टाइम बता देगा, 5 तारीख को पोलिंग होगा और 8 तारीख को शाम को रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि विपुल गरीबों का नेता है, अमीरों का नेता है, विपुल गोयल के दिल में दुख दर्द है, या ऐसे लोग जो सिर्फ गरीब और अमीरों का शोषण करते रहे हैं वो लोग का क्या हश्र होगा, ये आप आने वाली 8 तारीख को देखें। फरीदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमें समय देने के लिए। और फरीदाबाद, अपने इस कार्यक्रम विशुद्ध राजनीति में लगातार हम जुड़ते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे आपके साथ ऐसी ही और राजनीतिक मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।